आज हम बात करते हैं टॉटी कॉलेज यानी रायनेक के बारे में। टॉटी कॉलेज या रायनेक हमारी गर्दन की मांसपेशियों से रिलेटेड एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से हमारा जो एक साइड का हिस्सा होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारा हेड एक साइड झुक जाता है। ये कंडीशन कॉन्जेनाइटल और अक्वायर्ड दोनों तरह से हो सकती है। कॉन्जेनाइटल का मतलब जन्म से होने वाली दिक्कत, अक्वायर्ड का मतलब किसी चोट लगने की वजह से, किसी कारण की वजह से दिक्कत आना। इस बीमारी में जो हमारी नेक के साइड में स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड नाम की मांसपेशी है, ये दोनों मांसपेशी नहीं, सिर्फ एक ही मांसपेशी या तो बहुत कम बनती है या फिर ये बहुत ज़्यादा थिक बनती है या फिर इसका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये किसी भी एक कारण की वजह से जो एक साइड की स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड SCM मांसपेशी है उनकी वजह से ये टॉर्टिकोलिस बीमारी होती है रायनेक। इसमें मेनली जो कोलेजन फाइबर होता है वो डिपोजिशन हो जाता है उसका इस मसल में, तो इस वजह से जो हमारा हेड का मूवमेंट है, हमारा नेक का मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। मूवमेंट में बहुत दिक्कत आती है। जो हेड होता है वो अगर राइट साइड की दिक्कत है, अगर आपको स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड की शॉर्टनिंग या लेंथनिंग राइट साइड की हो तो आपका हेड राइट साइड की तरफ टिल्ट हो जाता है और चिन लेफ्ट साइड की तरफ, तो इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है नेक में, जो डिग्री है नॉर्मल डिग्री है, रेंज ऑफ मोशन है जो नॉर्मल, वो पूरा नहीं हो पाता। इम्बैलेंस हो जाती है नेक की मसल्स और जो शोल्डर मसल्स है उनमें भी वीकनेस आ जाती है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला है ये टेम्पररी टॉर्टिकोलिस। इसमें ये टेम्पररी होता है, इसमें या तो स्वेलन हो गया, लिम्फ नोड्स जो है उनमें सूजन आ गई है, या फिर कान का इन्फेक्शन हो गया, या फिर कफ कोल्ड हो गया, या फिर सर की हेड की इंजरी या फिर नेक की इंजरी हो गई किसी भी कारणवश। तो टेम्पररी जो ये दिक्कत है स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड की शॉर्टनिंग या लेंथनिंग की, वो हो जाना इसे टेम्पररी टॉर्टिकोलिस कहते हैं। दूसरी है फिक्स टॉर्टिकोलिस, ये एक परमानेंट होता है, ये बाय बर्थ होता है या फिर बाद में दिक्कत आती है। इसमें जो हमारी मांसपेशी है या फिर हमारी जो हड्डी है उनका स्ट्रक्चर सही नहीं होता, ये पहले से ही सही से बनी नहीं होती है, तो इस वजह से परमानेंट टॉर्टिकोलिस की बीमारी होती है। अब है थर्ड मस्कुलर टॉर्टिकोलिस। इसमें जो हमारी मांसपेशी है वो या तो टाइट हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है। जो हमने बात करी अब स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड, तो एक साइड की जो है वो टाइट हो जाती है जिस वजह से जो रायनेक की दिक्कत आती है। फिर फोर्थ है क्लिपी फिल सिंड्रोम। ये बीमारी बाय बर्थ ही होती है रायनेक की। इसमें जो हमारा C1 C2 वर्टिब्रा, हमारी नेक की वर्टिब्रा है, वो दोनों आपस में चिपकी हुई होती है बाय बर्थ, तो जिस वजह से जो मूवमेंट होता है नेक का वो नहीं हो पाता प्रॉपर, और बाय बर्थ ये दिक्कत धीरे धीरे बढ़ती जाती है और ये राय नेक के रूप में आती है। फिर है फिफ्थ सर्वाइकल डिस्टोनिया। इसमें जो हमारी नेक की मसल्स है उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है और स्पाज्म हो जाता है, मतलब इंजरी हो जाती है उसमें, तो इस वजह से जो हमारा हेड है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है जब हम ट्विस्ट करते हैं। हमारा जो एक साइड का जो नेक है बहुत ज़्यादा उनमें पेन फील होता है और हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड भी टिल्ट नहीं कर पाते, अपने नेक के मूवमेंट नहीं प्रॉपर कर पाते हैं, तो ये दिक्कत आती है। तो ये हमने अभी बात करी है इनके कितने टाइप्स होते हैं। फिर ये किन कारणों की वजह से, हमने बात करी है कि ये जो स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड नाम की मांसपेशी है इसकी शॉर्टनिंग हो जाना, लेंथनिंग हो जाना या फिर एक्सेस कॉन्ट्रैक्शन होना इनका, इस वजह से ये रायनेक की दिक्कत आती है। अगर हमारा पोस्चर सही नहीं है, हमारा गर्दन हम एक ही पोजीशन में रखते हैं या फिर हम झुकाए रखते हैं गर्दन को एक तरफ, एक ही एक पोजीशन में हमारा जब नेक रहता है तो हमें ये टाइटनेस फील होती है, हमें नेक के साइड में एक साइड में, और ये बीमारी होती है। अगर हम जैसे ही पैदा हो हमें मतलब बाय बर्थ ही कोई दिक्कत हो गई है, या तो स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड बाय बर्थ ही मसल की टीयर है, या फिर जो फेसेट है, जो फेसेट जॉइंट्स है वर्टिब्राज में उनका डिसलोकेशन हो गया है, इन किसी भी कारण की वजह से जब बाय बढ़ती है ट्रॉमा होता है तो ये रायनेक की दिक्कत आती है। फिर ये कॉन्जेनाइटल होती है हमने बात करी, या तो स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड जो मसल है उसमें या तो ट्यूमर हो गया है इस वजह से ये दिक्कत आती है। अगर हमारी जो आई मसल्स है उनमें वीकनेस हो गई इस वजह से भी प्रेशर पड़ता है। और मेन फैक्टर होता है कि इंट्रा यूट्राइन
जब इंट्रायूट्राइन बाय बर्थ जब बेबी इन यूट्रस में होता है तो उसकी हेड की मोबिलिटी प्रॉपर नहीं होती है. बच्चा जब घूमता है तो हेड की मोबिलिटी प्रॉपर नहीं कारण होने की वजह से जो नेक की जो मसल्स है वो टाइट होने लगती है, जो मूवमेंट है वो रुक जाता है. और इस वजह से जब बच्चा जैसे ही बाहर आता है तो उसको उसका जो हेड है वो एक तरफ टिल्ट होता है और चिन अपोजिट साइड टिल्ट होता है. तो ये राइन नेक की दिक्कत बाय बर्थ आती है. मेन कारण है इंट्रा यूट्राइन कॉन्स्ट्रेंट लिमिट्स की वजह से, जिस वजह से जो हेड का मूवमेंट है, हेड की मोबिलिटी है वो प्रॉपर नहीं हो पाती. फिर हम बात करते हैं इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं. इसमें ये है कि जो हेड है वो प्रॉपर हम मूव नहीं कर पाते, एक तरफ टिल्ट हो जाता है हेड एक साइड में, अगर जिस साइड की दिक्कत है उस साइड टिल्ट हो जाता है, जो चिन है वो अपोजिट साइड चले जाता है, बहुत ज़्यादा गर्दन में दर्द होता है. और ये है सर के पास में तो हेडेक होना बहुत ज़्यादा होता है. और जो नेक की मसल्स है सूज जाती है, टाइटनेस हो जाती है, स्टेनोक्लेरोमास्टॉइड की सर्वाइकल स्पाइन जो है, पूरी जो हमारी गर्दन की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी गर्दन की, उसमें टाइटनेस फील होती है, ट्रेमर आने लगते हैं कभी कभी. और जो दोनों कंधे की हाइट्स है वो अनइक्वल लगती है, हमें एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे रखता है, जो प्रॉपर मूवमेंट है नेक का वो नहीं हो पाता. और इस वजह से हमें हम जो हेड है वो प्रॉपर तरीके से मूव नहीं करता, हमारे नेक के मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पाते. फिर इनका कैसे पता किया जाता है? फिजिकल एग्जामिनेशन से, आपकी मेडिकल हिस्ट्री से, पास्ट हिस्ट्री से पता कर सकते हैं, ईएमजी, एक्सरे, एमआरआई, इनसे भी पता कर सकते हैं. अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं. मेन एम होता है ट्रीटमेंट का कि पेन कम हो, जो स्पाज्म हुआ है मसल का, पेन बहुत ज़्यादा है वो कम हो. जब अगर अक्यूट फेज होती है तो हम मेडिकेशन ले सकते हैं, जैसे बेंजोट्रोपिन, ये सब लेके हमारा जो पेन है वो कम हो सकता है, जो हमारे लक्षण जो है स्वेलिंग आई है, टाइटनेस आई है, वो धीरे धीरे कम हो सकते हैं. फिर आपको आइस पैक और मसाज करनी है, हल्के हल्के हाथों से जो मसल्स है उस पर हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है अपनी फिंगर टिप्स से. और अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक पेन है तो आपको आपकी डॉक्टर आपको बोटॉक्स का इंजेक्शन देते हैं ताकि जो पेन है वो थोड़े टाइम के लिए कम हो जाए और रिकवरी होनी शुरू हो जाए. फिर सर्जरी की बात करते तो एक सर्जरी होती है, इसमें बाइपोलर रिलीज ऑफ स्टेनोक्लेरोमास्टॉइड मसल. जो स्टेनोक्लेरोमास्टॉइड है, जिस जगह जहाँ पर इसकी जो टाइटनेस या शॉर्टनिंग हुई है या एक्सेस कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, उस एरिया को रिलीज कर देते हैं और रिकवरी स्टार्ट कर देते हैं. उसके बाद पेशेंट को एटलीस्ट 4 हफ्ते तक सर्वाइकल कॉलर पहने रखता है. फिर उसके बाद धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट करते हैं नेक के. फिर उसके बाद रिहैबिलिटेशन स्टार्ट होता है. फिर फिजिकल थेरेपी की बात करते हैं. फिजिकल थेरेपी का मेन एम होता है कि पेन कम हो, जो मोबिलिटी कम हो गई है, जो मूवमेंट नेक का हेड का कम हो गया है, वो वापस नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन में आए और पेशेंट का जो नेक का जो पोस्चर है जो चेंज हो गया है वो वापस एक प्रॉपर कंडीशन में, स्ट्रेंथनिंग हो मसल्स की, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो पेशेंट के. फर्स्ट एक्सरसाइज हम बात करते हैं स्प्लेनस कैपिटस लेवेटस कैपुली की. इसमें आप चेयर पे बैठ जाएंगे और अपने एक हाथ को दोनों हाथों से अपने चेयर के एंड को पकड़ लेंगे. फिर आप अपनी बॉडी को थोड़ा आगे की तरफ लेके जाएंगे और अपने लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे अपने. फिर आप ऐसे ही अपने राइट साइड के हैंड को अपने सर पे रख के फिर अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ 45 डिग्री की तरफ टर्न करके लेफ्ट की तरफ फिर आप इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेके आएंगे. आप अपने हाथ से अपने हेड को नीचे की तरफ करेंगे, प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकंड तक, देन रिलैक्स. सेकेंड एक्सरसाइज है स्टेनोक्लेरोमास्टॉइड की एक साइड की. इसमें आप बैठेंगे या फिर खड़े होकर दोनों पोजिशन में आप कर सकते हैं. अगर आप चेयर पे बैठे तो आप अपने दोनों एंड को चेयर पे पकड़ लेंगे, फिर अपनी बॉडी को स्लाइटली आगे की तरफ लाएंगे, फिर आप अपने हेड को रोटेट करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ, फिर आप अपने हेड को पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो आप अपने चिन को सीलिंग की तरफ लेके जाएंगे. ठीक है, आपको अपने हेड को लेफ्ट की तरफ लेके आना है और अपने हेड को धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाना है कि ताकि आपका जो चिन है वो सीलिंग की तरफ हुए. फिर 10 सेकंड होल्ड करना, देन वापस नॉर्मल पोजीशन में रिटर्न करना है. फिर यही 10 रिपीटेशंस करने हैं. देन थर्ड एक्सरसाइज स्टेनोक्लेरोमास्टॉइड बोथ साइड की. आप चेयर पे बैठ जाएंगे, अपना बैक को सपोर्ट पे रख के
फिर आप अपनी बॉडी को आगे की तरफ लेके आएंगे, अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा नीचे पुश करेंगे, अपने हेड को न्यूट्रल पोजीशन में रहेंगे, फिर आपको अपने हेड को पीछे की तरफ लाना और अपने चिन को सीलिंग की तरफ देखना, तो आपको एक स्ट्रेच फील होगा। इसमें आपको अपने हेड को न्यूट्रल पोजीशन में रख के ही चिन को ऊपर लेके आना है। फिर देन फोर्थ एक्सरसाइज है ट्रेपेजियस लेविटस स्कैपुली स्टर्नोक्लेयर मिस्टर एंड स्केलिंग मसल की। इसमें स्ट्रेचिंग है, आपको चेयर पे कंफर्टेबली बैठ जाना है, अपने हेड और नेक को न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, फिर आपको अपने हेड को लेफ्ट की तरफ लेके आना। अपने आपको अपने अगर आपको राइट साइड की स्ट्रेचिंग करनी है तो आपको अपने लेफ्ट हैंड को राइट ईयर से ऊपर आपको हाथ रखना है। फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे लेफ्ट शोल्डर की तरफ अपनी नेक को मूव करना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड तक, देन रिलैक्स। फिफ्थ एक्सरसाइज स्प्लेनियस कैपिटस की। इसमें आप चेयर पे बैठ जाएंगे, फिर आप अपने हेड को रोटेट करेंगे लेफ्ट साइड में, फिर देन आप अपने चिन को चेस्ट की तरफ लेके आएंगे। आप टू फिंगर्स भी रख सकते हैं चिन पे और फिर चेस्ट की तरफ लेके आना, होल्ड करना है 10 सेकेंड, देन रिलैक्स। फिर जैसे जैसे पेन कम होगा तो आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए स्टर्नोक्लेरोमास्टॉइड की एक साइड की है, इसमें आप चेयर पे बैठ जाएंगे। आप अपना जो हेड है आप इस तरीके से बैठेंगे ताकि जो आपका वॉल है वो आप अपने वॉल से पैरेलल में बैठेंगे। फिर आपको अपना जो राइट शोल्डर है उसको वॉल को टच करना है। आपको राइट साइड में एक तकिया लगा लेना है या फिर कोई फोम का ब्लॉक लगा लेना है। फिर आपको अपने नेक को अपने हेड को पुश करना है राइट की तरफ, फोम की तरफ, होल्ड करना है, देन रिलैक्स। फिर सेवेंथ एक्सरसाइज है, इसमें आप अगर आपको लेफ्ट साइड की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है तो आप चेयर पर बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को पकड़ लेंगे चेयर के एंड से, फिर आप अपने कंधे लेफ्ट शोल्डर को ऊपर लेके आएंगे। सिर्फ आपको शोल्डर मूव करना, आपकी बॉडी स्ट्रेट रहेगी, होल्ड करना है, देन रिलैक्स। एट्थ एक्सरसाइज है, अगर आपको राइट साइड की स्ट्रेंथनिंग करनी है तो उसके लिए आप सीधा लेट जाएंगे, एक पिलो लगा लेंगे आपके हेड के नीचे, फिर आपको अपने हेड को रोटेट करना 45 डिग्री के एंगल पर राइट साइड में, फिर अपने हेड को पीछे लेके आना और पिलो की तरफ प्रेस करना, होल्ड करना है, देन रिलैक्स। देन नाइन्थ एक्सरसाइज है, आपको सीधा लेट जाना है, फिर अपने हेड को स्ट्रेट रख के धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके आना है चिन को, फिर आपको चिन को चेस्ट की तरफ टच करना है। अगर आपको रेजिस्टेंस फील करना है कि अगर आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल है तो आपको अपने फोरहेड पे दो फिंगर लगा के पुश करना है पीछे की तरफ, तो आपको स्ट्रेच फील होगा नेक पे, होल्ड करना है 10 सेकेंड, देन रिलैक्स। देन टेंथ एक्सरसाइज है, अगर आपको राइट साइड की स्ट्रेंथनिंग करनी है तो आप चेयर पे बैठ जाएंगे, अपने राइट साइड शोल्डर को वॉल की तरफ टच करेंगे, फोम पे पिलो लगा लेंगे राइट शोल्डर की तरफ, फिर आपको अपने हेड को राइट की तरफ पुश करना है पिलो की तरफ, होल्ड करना है 10 सेकेंड, देन रिलैक्स। 11th एक्सरसाइज है, आप अपने बैक पे के बल पे लेट जाएंगे, फिर आप अपने हेड को स्ट्रेट रख के फिर धीरे धीरे पीछे लेके आएंगे, फिर पुश करेंगे आप जो आपके पिलोज को पुश करेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड तक, देन रिलैक्स। लाइफस्टाइल और होम केयर की बात करें कि आपको अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है सीधा लेटने में, स्लीप में आपको दिक्कत नहीं आती है तो आपको सीधा लेटना है, थोड़ी धीरे 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 आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है। और अगर आपको राइट साइड की दिक्कत है तो आपको अपनी नेक को अपने हेड को मूव करना है अपोजिट साइड में, अगर राइट साइड की प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड में मूव करना है, अगर लेफ्ट साइड की तो राइट साइड में मूव करने की कोशिश करनी है, हीट पैक करनी है ताकि जो नेक में जो स्पाज्म हो वो धीरे धीरे रिलीज हो, और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना आपको। थैंक यू।